subscribe and press bell icon. दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी में. तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक व्हाट्सएप मैसेज जो कि काफ़ी वायरल हो रही है उसके बारे में. ये मैसेज है कम्युनिकेशंस के नए टर्म्स के बारे में. तो दोस्तों, हम लोग बातें स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. और अगर आपको सही या गलत जो भी लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और डिसलाइक ज़रूर से ज़रूर करें. और कमेंट बॉक्स में आप हमें ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. तो दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि अभी जो नए कम्युनिकेशन के लॉ आ रहे हैं जो कि व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है, तो इसमें लिखा गया है कि कुल 13 टर्म्स हैं. आप यहाँ देख सकते हैं, पहला में है कि सभी कॉल की रिकॉर्डिंग होगी, दो नंबर है सभी कॉल रिकॉर्डिंग सेव होंगे. तो सेव करने के लिए काफ़ी बड़ा डेटाबेस चाहिए होगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 125 अरब से भी ज़्यादा हो चुकी है, और इतने पॉपुलेशन के डेली के कम्युनिकेशन को सेव करना काफ़ी मुश्किल होगा. तो तीसरा चीज़ है कि, लेकिन हो सकता है, तो हम लोग इसकी जाँच करेंगे. और उसके बाद आ रहा है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और सभी सोशल मीडिया में सभी मॉनिटर्ड होंगे. तो ये पहले भी होता था, लेकिन कुछ कम होता था, मतलब कि रेंडमली चेक होता है. और जो ये नहीं जानते उन सभी को सूचित कर दीजिए. ये कोई टर्म नहीं है, ये बस फॉरवर्ड करने का ये किया जा रहा है, जो कि जनरली टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं आता है. तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होता है कि 4 नंबर में जो टर्म्स दिया हुआ है कि ये जो नहीं जानते उन सभी को सूचित कर दीजिए. 5 नंबर में है आपकी डिवाइसेस को मंत्रालय सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा. तो ये ऑलरेडी जोड़ा हुआ है आपका कंपनी के IMEI नंबर जो आपके फ़ोन का होता है उसके थ्रू. तो आपके फ़ोन को सर्च करना और मॉनिटर करना IMEI नंबर के थ्रू काफ़ी आसान होता है. उसके बाद 6 नंबर टर्म है, ध्यान दीजिए, कोई भी गलत मैसेज किसी को मत भेजिए. तो ये तो खैर सभी कहते हैं कि गलत मैसेज मत भेजिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि गलत मैसेज को वायरल करते हैं. और 7 नंबर पर है अपने बच्चों, भाइयों, रिश्तेदारों सूचित कर दे, इसका ध्यान रखें कि सोशल साइट्स को सेम से चले. ये कोई टर्म्स नहीं हुआ, ठीक है, ये कोई नियम नहीं है, ये आपको एडवाइस दिया जा रहा है 7 नंबर में. और 8 नंबर में भी कोई आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो रिसीव करते हैं या, लेकिन 8वें टर्म में एक बहुत बड़ी खास चीज़ है, जो प्रधानमंत्री या सरकार के खिलाफ जो भी मैसेज हो उसे सेंड ना करें. तो भाई, लोग अपना जो विरोध दिखाएंगे या किसी मैटर पे अगर डिस्कस करना चाहे, सरकार को कुछ बताना चाहे या किसी से बातचीत करना चाहे, तो वो कैसे बात करेगा, ये भी मैटर करता है. तो 9 नंबर है इस समय किसी राजनीतिक या धार्मिक मुद्दे पर कोई आपत्तिजनक मैसेज लिखना या भेजना अपराध है. ये तो खैर नॉर्मल है, ये तो हमेशा से अपराध रहा है, लेकिन लोग इसे सुनते नहीं हैं. और 10 नंबर में है पुलिस एक नोटिफिकेशन निकालेगी, फिर साइबर अपराध, फिर एक्शन भी लिया जाएगा. 11 में भी टर्म्स के नाम पर सजेशन लिखा हुआ है कि यह बहुत ही गंभीर है, आप सभी ग्रुप मेंबर्स, एडमिन्स इस विषय में गहराई से सोचिए, कोई गलत मैसेज मत भेजिए. तथा इस और 13 नंबर है कि प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ग्रुप्स ज़्यादा सतर्क व सावधान रहे. तो दोस्तों, ये सारे टर्म्स जो है 13, तो इसमें टर्म्स कम हैं और एडवाइस ज़्यादा है, और विरोध प्रदर्शन करने से इसमें मना किया जा रहा है प्रधानमंत्री के खिलाफ. तो इसमें अगर ये कम्युनिकेशंस के नए नियम लागू हुए हैं, तो इसकी पड़ताल करने का सबसे आसान तरीका है कि हम कम्युनिकेशन का जो गवर्नमेंट का साइट है उस पर चलेंगे, और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस में है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई नया नोटिफिकेशन आया है इससे रिलेटेड, टेकन टू स्ट्रेंथ ऑफ डॉट डिप्टेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार श्री मनीष कुमार एट इस साहब नंबर 20. और ये आप देख सकते हैं, टेकेशन डू नॉट कैंसिलेशन ऑफ प्रमोशन ऑर्डर्स ऑफ नंदलाल सचदेव एंड एसएस. तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, कम्युनिकेशन जूनियर ऑफिसर्स ऑफ TES इंफॉर्मेंट लाइसेंसेज लुकिंग आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ हेड ऑफ
तो दोस्तों यहाँ पे इसमें कोई भी ऐसा मैसेज नहीं दिख रहा है जो कि कल से नया कुछ लागू होने के लिए कुछ दिया होगा। फिर भी हम लोग और भी टैब्स इसका चेक करते हैं। ये तो ई विजिटर्स के रजिस्ट्रेशन का टैब खुल गया। और इसके बाद दोस्तों इसमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। खैर हम गूगल भी कर लेते हैं। न्यू कम्युनिकेशन टर्म्स अप्लीकेबल अप्लीकेबल सॉरी ये गूगल का है, न्यू गवर्नमेंट इसमें लगा देते हैं। डॉट इसमें भी कुछ नहीं आया है। एक पीडीएफ फाइल है, वहां भी देख लेते हैं। और ये चैलेंज एक है, वो भी देख लेते हैं। ये यूके का है, इसे देखकर कोई फायदा नहीं है। ये भी देख लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई नोटिस आया होगा। लेकिन फिर भी ये तो एग्रीमेंट पेपर है, लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर यूनिफाइड लाइसेंसेस, तो इसे क्लोज कर देंगे। और एट चैलेंज में भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया गया। और प्राइवेट साइट है, डिस्टेंस लर्निंग मॉड्यूल ऑन रिटर्न कम्युनिकेशन इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये भी कुछ और है। और ये तो खैर कुछ और है ही। तो दोस्तों जहाँ तक हम मिला कि ऐसा कोई भी नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें इसमें से कुछ जो मैं पॉइंट्स हैं उसे तो खैर हमें फॉलो करना ही चाहिए। कि जैसे इसमें है कि जितने भी गलत मैसेजेज हैं, आपत्तिजनक मैसेज हैं और धार्मिक मुद्दे पर जो भी मैसेज है उसे फॉरवर्ड करने से हमें बचना चाहिए। और सोशल साइट्स को जहाँ तक संभव हो संयम से चलाना चाहिए। कि अगर एक मैसेज आपके ग्रुप में सर्कुलेट हो चुका है तो उसे बार बार अपने ग्रुप में सर्कुलेट करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसे बार बार सर्कुलेट ना करें। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि सेम मैसेज बार बार पढ़ने से लोग इरिटेट होते हैं। और आप भी कभी कभी ये इरिटेशन महसूस करते होंगे। और कुछ अंधविश्वास वाले जो 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए तो आपको अच्छा मैसेज मिलेगा, नहीं करोगे तो आपके घर में कुछ अनहोनी होगी, इस टाइप के मैसेज से बचें। और जहाँ तक संभव हो दोस्तों इस लगे सोशल मीडिया को सही से यूज करें। लेकिन ऐसा कोई नोटिस जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं निकाला। और रही बात मॉनिटरिंग की, तो ये बात सही है कि मॉनिटरिंग काफ़ी पहले से होती है, लेकिन वो रेंडमली होती है। और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि रेंडमली फ़ोन कॉल्स सुने भी जाते हैं और रेंडमली फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड भी किया जाता है। और कभी मतलब कि आप रेंडमली में आपके भी फ़ोन कॉल्स कभी सुनी जा सकती है। और इसलिए जहाँ तक संभव हो फ़ोन वगैरह पर आप गलत तरह के मैसेज ना बोलें, ना फॉरवर्ड करें, ना शेयर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो में यहीं तक। हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों प्लीज़ 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 हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड प्रेस वेल आइकॉन।